नमस्कार दोस्तों, IFMS 3.0 के अंदर LIC डिडक्शन कैसे करते हैं। दोस्तों, अगर किसी कार्मिक ने पॉलिसी ले रखी है और वो अपने वेतन में से बीमा किस्त है उसकी कटौती करवाना चाहता है, तो आप उसकी LIC या जो डिडक्शन है वो कैसे करेंगे, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें DDO ID से IFMS 3.0 के अंदर लॉग इन कर लेना है और यहाँ पे आपको बिल्स नाम का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको ऊपर हमें टिक करना है। इसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे सैलरी बिल्स लिखा आ रहा है, इसके ऊपर हमें टिक करना है। और यहाँ पे सैलरी प्रीपेशन में हमें दिखाई देगा LIC रजिस्टर ऑप्शन के ऊपर हमें टिक करना है। और इसके बाद में जिस कार्मिक की हमें LIC डिडक्शन करना है उसके सामने या नाम के सामने व्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर हमें टिक करना है। टिक करने के बाद में आपको कार्मिक की यहाँ डिटेल्स होगी और यहाँ पे प्लस ऐड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर हमें इस ऑप्शन के ऊपर हमें टिक कर देना है। टिक करने के बाद में यहाँ जो पॉलिसी नंबर है जो कार्मिक ने LIC रजिस्ट्रेशन किया है, जो उसका पॉलिसी नंबर है वो पॉलिसी नंबर हमें यहाँ इसके अंदर ऐड करना है। और जो प्रीमियम अमाउंट पर मंथ हर माह जो बीमा किस्त है कितने रुपए उसकी कटौती की जानी है वो रकम यहाँ पे हमें भरनी है। कौन से मंथ से आप स्टार्ट करना चाहते हो ये यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करना है, और एंड डेट कब तक करना चाहते हो वो उसके पॉलिसी के अंदर लिखा होगा, वो आप देख सकते हो जो पॉलिसी बॉन्ड होता है उसके अंदर। और ये डिटेल भर के हमें सेव कर देनी है। सेव करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे पॉलिसी नंबर आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, जो आपने डिटेल भरी है वो यहाँ पे शो होगी। अगर आप उसके अंदर कुछ करेक्शन करना चाहते हो तो यहाँ पे पेंसिल का आइकन पे टिक कर देना है। अगर आप कोई और LIC ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे एक और भी जितनी भी आप करना चाहो तो यहाँ प्लस ऐड करके आप और भी कटौतियां हैं जो LIC की वो ऐड कर सकते हो। और ये अगर डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट भी कर सकते हो। और इसके बाद में लास्ट में हमें यहाँ पे सबमिट कर देना, और इसके बाद में हमें बैक आ देना है। बैक आने के बाद में हमें यहाँ पे सैंक्शन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर हमें टिक करना है और सैलरी सैंक्शन के अंदर जाना है। इसके बाद में हमें यहाँ पे डिडक्शन इंडिविजुअल, इसके ऊपर हमें टिक करना है। और जिस कार्मिक हमने LIC डिडक्शन ऐड किया है उनको यहाँ पे नाम के सामने इनिशिएट सेलेक्ट करना है। और इसके बाद में आप यहाँ देख सकते हो कार्मिक की जो LIC है वो यहाँ पे डिडक्शन ऐड हो चुका है जो आपने डिटेल भरी थी, और बाकी की कटौतियां भी यहाँ पे शो होगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप कार्मिक की जो पॉलिसी है उसकी जो बीमा किस्त है उसकी कटौती आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो अगर कर्मचारी करवाना चाहता है तो। तो दोस्तों, इस प्रकार मैंने आपको ये वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और भी अगर आप मुझसे कुछ कमेंट करके पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।